अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं सलमान हसन। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कराची में रेंजर्स ने सड़क पर झगड़ा करने वाले मियां बीवी पर गोली चला दी। खावन जा भाग, जख्मी खातून टहलती रही। रेंजर्स एहलकार मस्जिद की छत पर था। दुनिया न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली। पार्लियामेंट लॉजिस के 23 सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज का मुआयना। सीसीटीवी फुटेज में सब अच्छा की रिपोर्ट। गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी। अल्ताफ हुसैन कहते हैं कराची के कई इलाकों में तालिबान का निजाम चल रहा है, हुकूमत वाजे पॉलिसी का ऐलान नहीं करती तो फौज टेक ओवर करे। हुकूमती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी का कहना है कि मामला सुलझ गए तो अच्छी बात, नहीं तो ऑपरेशन होगा। मौलाना यूसुफ शाह कहते हैं तालिबान शूरा ने इजलास बुला लिया, सीज फायर का ऐलान जल्द मुतवक्के। आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल पौने 3 रुपए फी लीटर सस्ता करने की मंजूरी। डीजल, मिट्टी के तेल और HOBC की कीमतें बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्पेशल पुलिस फोर्स की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी कर दी। तनख्वाह में 5,000 रुपए इजाफा। लाहौर से मैनचेस्टर जाने वाली PIA की परवाज में मशकूक अशिया की इत्तला। मुसाफिर लाउंज में मुंतकिल, सिक्योरिटी चेकिंग जारी। और पाकिस्तानी तलबा किसी से कम नहीं, आज भी 10 आलमी रिकॉर्ड बना डाले। खबर की दुनिया से फिलहाल सिर्फ हेडलाइंस। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए दुनिया न्यूज़.tv।